नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में जनकपुरी कॉलोनी में पानी का संकट गहराने से बवाल मच गया। रहवासियों ने नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। एक महिला ने अधिकारियों के टेबल पर चूड़ियां रख दी तो दूसरी महिला ने उनकी तरफ चूड़ियां फेंक दी। इस घटना से आग बबूला हुए अधिकारियों ने जनकपुरी कॉलोनी के रहवासियों को थाने में बंद कराने की चेतावनी देते हुए जन सुनवाई खत्म कर दी। लोगों ने अपने किए पर माफी मांगी। इसके बाद अपर आयुक्त आके श्रीवास्तव और उप आयुक्त एपी एस भदौरिया ने उन्हें समस्या का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया। जनकपुरी कॉलोनी के रहवासी पिछले डेढ़ महीने से पानी की समस्या लेकर अधिकारियों के पास आ रहे हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं ने अधिकारियों के ऊपर चूड़ियां फेंक दी। चूड़ियाँ पहना ही नहीं है, चूड़ियाँ रख दी थी टेबल के ऊपर, लेकिन उनको उसकी उस चीज का बहुत अपमान हुआ कि हमारे टेबल पर चूड़ी क्यों रखी। उनको ये नहीं लगा कि औरतों का कितना मान होता है, इसलिए रखी थी कि तुम यह चूड़ी पहन के बैठ जाओ, क्योंकि हम लोगों को पानी तुम दे ही नहीं सकते। और कितनी बार हमारी अच्छी वाली रोड थी वो तो खोद के डाल दी तुमने। हम लोगों को कम से कम परेशानी 3 साल से हो रही पानी की, और जैसे तैसे थोड़ा बहुत मिल भी दिया था तो वो रोड खोद दी तो अब वो भी खत्म हो गया। साहब माजन नई लाइन डाली है पाइपलाइन 4 इंची की, पहले डली थी उससे थोड़ा बहुत मिल भी जाता था, पूरी तो रोड खोद दी। अब आप उसकी हालत देखो, इतनी धूल है, इतनी गाँव में भी धूल नहीं होगी। जनकपुरी कॉलोनी है, सेंट्रल अकाडमी स्कूल के पास आदित्यपुरम में, गेट बंद है, फार्म 4 है, नगर निगम में हैंड ओवर है, सभी के वैध कनेक्शन है, बगल में अवैध कनेक्शन है, सभी को पानी मिल रहा है और सबके कनेक्शन अवैध। शिकायत कई बार कर दी और इन्हें बंद करवा दी थी और फिर दोबारा चालू करवा दी। पानी के लिए किया था, 1 मिनट पानी नहीं आ रहा, 1 बूंद पानी नहीं आ रहा। 3 लाख रुपए का पानी खरीद चुके अभी तक हम लोग। अब देख वो आश्वासन दे रहे कल इंजीनियर को भेजूंगा, फलाने को भेजूंगा, ढकाने को, 5 बार आ चुका मैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।